बाबर पाकिस्तान को जो टॉप ऑर्डर है उसकी स्ट्राइक रेट के बारे में टी20 में बहुत बात होती है, तो तीन दिन पहले जो कराची किंग्स के कोच थे हर्षल गिब्स, उन्होंने भी बात की कि उन्होंने कहा कि अगर बाबर तेज खेल तो उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कराची किंग्स में जब रहा तो उनको कुछ समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं करते, क्या कहना? हाँ देखिए, मेरे ख्याल से पिछले दो साल से जो ओपनर ओपनिंग पार्टनरशिप है हमारी वो काफ़ी सक्सेस रही है उसमें। उसमें हमने देखें डिफरेंट सिचुएशन होती है, जिस तरह डिफरेंट सिनेरियो होता है कि आपने किस तरह बैटिंग करनी है, क्या टीम को रिक्वायर्ड है, क्या कंडीशंस बिहेव कर रही है, प्लानिंग आपकी क्या है, ओपोनेंट के कैसे आपने अगेंस्ट खेलना है, तो वो सारी एक प्लानिंग होती है। ये नहीं कि आप कहें कि आप पूरी गेम चेंज कर लें, बिल्कुल आप थोड़ी सी स्टेप अप करते हैं और वो हर मैच में कोशिश होती है। और मेरे ख्याल से जिस तरह हमारी पार्टनरशिप रही है ओपनर्स की वो काफ़ी अच्छी रही है लास्ट दो साल से, और उससे काफ़ी टीम को भी हेल्प मिली और पाकिस्तान को भी काफ़ी जीत मिली है उस चीज़ से, क्योंकि मोमेंटम जब मिलता है तो उसको नीचे जो मिडल ऑर्डर वो कंटिन्यू करता है, और कोशिश हमारी यही होती है कि अगर दोनों में से कोई आउट हो जाए तो वो एक दूसरा जो एंड तक जाए और उसके गिर खेले। देखें हर्षल गिब्स से मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, और आई डोंट नो कराची किंग्स में भी जब मैं खेला था तो स्ट्राइक रेट मेरा ऑलमोस्ट अप एंड डाउन होता रहता है, 135-130 रहता है। कभी कभार ऐसे मैचेस भी होते हैं जब आप थोड़ा सा लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, डिपेंड करता है। बाबर जिस तरह माजिद भट्टी ने कहा कि टॉप ऑर्डर बैटिंग की बात हो रही तो मिडिल ऑर्डर बैटिंग की उससे ज़्यादा बात हुई है, तो जो रिसेंट आपकी जो परफॉर्मेंस रही एशिया कप में जिसमें आपसे रन्स नहीं हुए, तो इसकी वजह ये तो नहीं थी कि जो मिडिल ऑर्डर जो नाकाम हो रही थी वो टेंशन आपने अपने ऊपर ले लिया और आपकी परफॉर्मेंस पर इसका असर पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से एज अ कप्तान मैं काफ़ी बिल्कुल एक तरफ परफॉर्मेंस का भी था, लेकिन मुझे एक तरफ खुशी भी थी कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है उसने परफॉर्म किया और ऐसी मैचेस भी जिताएं, क्रूशल मैचेस भी जीते हैं एशिया कप में, हमारे मिडिल ऑर्डर ने ही परफॉर्म किया और डिफरेंट सिचुएशन में उन्होंने मैच जिताए। देखें ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कोशिश यही होती है कि 100% दिया जाए। क्रिकेट है कि अप एंड डाउन चलते हैं, कभी आपका ग्राफ ऊपर नहीं रहता, ऊपर नीचे रहता है, लेकिन बिलीव और टीम हमेशा हमारी कोशिश होती है कि जो परफॉर्म ना करो उसको ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। जी डॉन एंड देन अतीक।